गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, करेंसी डेली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 21 मार्च 2023। डॉलर इंडेक्स कल भी थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ है, अभी 103.33 पे है। जैसे कि लास्ट वीक का मेरा एनालिसिस था या वीकली एनालिसिस था, जहां पे हमने ये डिस्कस किया था कि 13 मार्च जो ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया था, उसके बाद फॉलो थ्रो था नहीं एंड ये वापस यहाँ पे जाके ट्रेंड लाइन सपोर्ट जो था, जो ब्रेक किया था वहाँ पे रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आ रहा है, कीपिंग द हाई ऑफ दिस कैंडल दैट इज द 15 मार्च वाला कैंडल एज द स्टॉप लॉस। ये नीचे की तरफ आएगा एंड हमारा इंतजार रहेगा ये 13 मार्च का लो तोड़ने के लिए। जैसे ही तोड़ेगा ये फर्दर और नीचे आने का प्रयास करेगा टूवर्ड्स 101.5 to 102.00। दैट बीइंग द केस, कल ये 13 मार्च का जो लो है उसके नीचे क्लोज दिया है एंड वी एक्सपेक्ट डॉलर इंडेक्स टू फर्दर सॉफ्टन टूवर्ड्स 101.50 से 102.00 की तरफ। अभी डॉलर रुपी आपका पिछले दो दिन से एक ही जगह पे है, एट 82.50 के आसपास ही घूम रहा है। कल का जो कैंडल है ये एक डोजी कैंडल बनाया हुआ है एंड व्हाट इट सेज प्राइस रिजेक्शन एट द हायर एंड। ये जो प्राइस है ऊपर की तरफ 82.70, उधर से प्राइस रिजेक्ट होके आया है एंड इसके बाद व्हाट नेक्स्ट में यही है कि आपका 82.45 टू बी प्रेसेस 82.40 के नीचे अगर ट्रेड करना चालू करे ऑन एन आवरली बेसिस। ये चार्ट एनालिसिस आपका डेली का है, सो इसके लो के नीचे यानी 82.40 के नीचे आवरली बेसिस पे अगर एक घंटे का एक कैंडल क्लोज दे देगा, इन सच ए केस डॉलर रुपी थोड़ा सॉफ्ट होने का प्रयास कर सकता है। जीबीपी डॉलर अच्छा खासा बाउंस बैक किया है। जैसे कि आप देखोगे हमारा प्रीवियस एनालिसिस वहां पे क्या था, RSI 60 के नजदीक था। इन सच ए केस प्राइस थोड़ा सा रिट्रेस होने का था। रिट्रेस होने के बाद हमारा ये क्वेश्चन था क्या ये हायर है, हायर लो बनाएगा। That being the case, आपका जो प्रीवियस हाई है ऑन 13 मार्च उसके हाई को कन्विंसिंगली क्लोज करके काफ़ी ऊपर जाके अभी है 1.2273, यानी ये आपका क्लियरली हायर लो हायर हाई फॉर्मेशन मोड में है। एक नज़र हायर टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। हायर टाइम फ्रेम में भी आपका वीकली अभी एक वीकली RSI एक ऑब्जर्वेशन रहेगा, यानी हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा कि ये जो RSI वीकली RSI इज अप्रोचिंग 60। दैट बीइंग द केस, इन सच केस हमारा जो ऊपर की तरफ 1.2450 इसके आसपास एक रेजिस्टेंस ले सकता है। मंथली बेसिस पे रेंज शिफ्ट अंडर फॉर्मेशन से अब, हालांकि अभी भी काफी ट्रेडिंग डेज बाकी है, सो अभी इसके बारे में हम ज़्यादा एनालिसिस या चर्चा नहीं करेंगे। हम इसके बारे में एक बार मार्च का महीना कंप्लीट होने के बाद क्या ये इस टाइप का क्लियरली पॉजिटिव RSI शिफ्ट होगा या नहीं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ ऐसा लग रहा है ये एक रेंज शिफ्ट कर रहा है। इन सच ए केस अगर मार्च महीने का कैंडल फरवरी के महीने के हाई जो है उसके ऊपर क्लोज दे देता है, जैसे यहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा कैंडल बना के इसका एक्सप्लेन करने का प्रयास किया था, इस टाइप का अगर कैंडल बनाते हैं सो आने वाले अप्रैल मई जून महीने में GBP डॉलर अच्छा खासा ऊपर जाने का प्रयास कर सकता है। अभी आते हैं GBP INR। GBP INR में भी अच्छा खासा आपका अप मूव देखा गया है एंड RSI जो है 60 को तोड़ के ऊपर चला गया है। एक नजर हायर टाइम फ्रेम पे, यहां पर वीकली में RSI 60 को तोड़ के ऊपर चला गया है, सो
यहाँ पे जो इमीडिएट नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है वो हो सकता है आपका 102.50 के आसपास। यहाँ पे एक चीज देखने वाला है, मंथली इज अप्रोचिंग 60, सो ऊपर में हायर टाइम फ्रेम में हमें रेजिस्टेंस मिलने का एक्सपेक्टेशन है। यूरो डॉलर कंसोलिडेट कर रहा है इन बिटवीन 1.0525 एंड 1.0770। इसको कंसोलिडेट करने के बाद अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है देन इन सच ए केस हमारा जो ये इमीडिएट रेजिस्टेंस होना चाहिए वो होना चाहिए आपका 1.1050 से 1.1100। यूरो आइनर यहाँ पर भी कंसोलिडेट कर रहा है, ये जो आपका 15th मार्च का कैंडल है उसके रेंज के अंदर में ही पिछले तीन दिन प्राइस एक्शंस किया है। अगर इसको ऊपर जाना है तो ये 15 मार्च का जो रेंज है उसके हाई के ऊपर जाना पड़ेगा। अल्सो RSI जो है ये RSI आपका 60 को ब्रेक करके ऊपर जाना चाहिए। डॉलर येन आपका ये जो एक पिन बार था दैट इज 16th मार्च का जो एक पिन बार था उसके लो के नीचे जब तक नहीं क्लोज दे देता है हमें फर्दर सेल ऑफ नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, आपका 17th मार्च को वहीं पे जाके क्लोज दिया। कल एक डोजी कैंडल बनाया हुआ है, दो स्पिनिंग टॉप टाइप ऑफ कैंडल जो इस पिन बार के लो के नीचे है। दैट बीइंग द केस यहाँ पे और सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड कमिंग दिनों में डॉलर येन में मूव टुवर्ड्स 131। GBP INR अच्छा खासा बाउंस बैक किया है ऊपर की तरफ। हमारा जो अभी इमीडिएट रेजिस्टेंस होना चाहिए वो है 0.64 के आसपास। डॉलर कैंडी यहाँ पे हमें इंतजार रहेगा, ये जो कैंडल है 14th मार्च का कैंडल है उसके लो के नीचे कंसोलिडेट करना या उसके नीचे क्लोज देना एंड फॉलो थ्रू करना, जो अभी एज ऑफ नाउ कल वहीं पे जाके क्लोज दिया एंड आज थोड़ा सा यहाँ से बाउंस बैक करने का प्रयास कर रहा है। सो यहाँ पे थोड़ा सा हमें और थोड़ा टाइम देना पड़ेगा फॉर क्लियरिटी पर्पस। $80 आपका ये जो रेजिस्टेंस लाइन था 0.67025 वहीं पे हेजिटेट कर रहा है। एक जो इंक्लाइंड ट्रेंड लाइन है उसके हाई के ऊपर जाके बैठा है, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर अभी भी कन्विंसिंगली क्लोज नहीं दिया। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस लाइन, इसके ऊपर अभी तक क्लोज नहीं दिया। इसके ऊपर क्लोज देगा तो हम थोड़ा सा अपवर्ड मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। CNH में आपका 13th मार्च का जो लो बनाया है उसके नीचे अभी तक फॉलो थ्रो बाकी है। जैसे ही इसके लो के नीचे फॉलो थ्रो करेगा CNH में मूव डाउन टुवर्ड 6.74, लेकिन प्राइस अभी आपका 13th मार्च का रेंज के अंदर में ही कंसोलिडेट कर रहा है। जितना ज़्यादा कंसोलिडेशन उतना ही ज़्यादा ब्रेकआउट के बाद मूवमेंट। अभी ये ब्रेकआउट 13th मार्च के लो के नीचे देगा या हाई के ऊपर देगा ये हमें देखना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी ऐसा लग रहा है कि 13th मार्च के लो के नीचे जाना जा सकता है। UK ऑयल कल एक 20 मार्च को एक पिन बार बनाया हुआ है एट द बॉटम एंड पे। ये पिन बार बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिन बार है। दैट बीइंग द केस यहाँ पे आपका जो 17th मार्च का कैंडल का हाई है उसके हाई के ऊपर अगर आने वाले आज या कल में इसके हाई के ऊपर क्लोज दे देता है इन सच ए केस वी कैन एक्सपेक्ट एन अपवर्ड मीन्स मूवमेंट इन UK ऑयल। US 10-year ट्रेजरी 3.48 कल यहाँ पे एक पिन बार बनाया हुआ है और 22nd का FOMC रेट डिसीशंस इज वेरी क्रूशियल, जहाँ पे हमें देखना है कि फेड क्या एक्शंस लेते हैं आफ्टर द बैक टू बैक फ्यू बैंक फेलियर केसेस, चाहे वो SVB हो, फर्स्ट रिपब्लिक बैंक हो या आपका UBS हो जो आपका स्विट्जरलैंड का बैंक है। सो
क्रूशियल है 22nd का FOMC रेडी सेशंस, उसके बाद ही एक जबरदस्त मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो है आपका 3.33, इसके लो के नीचे। बेसिकली देखो, आप 20 तारीख का एक पिन बार बनाया, उसका लो बिकम्स ए वेरी क्रूशियल लेवल। इसके लो के नीचे यानी 3.30 के नीचे एक जबरदस्त हम सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते। सो वेडनेसडे रात के लिए इंतजार है। उसके बाद अगर ये 20 मार्च का लो के नीचे सस्टेन कर जाता है तो अच्छा खासा सॉफ्टनेस हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपका US 2 year इज ऑल्सो सेम टाइप ऑफ फॉर्मेशंस, एक बड़ा पिन बार बनाया है, ये प्राइस रिजेक्शंस फ्रॉम 3.64 से प्राइस रिजेक्ट होके क्लोज दिया है आपका 3.98। सो ये जितना बड़ा पिन बार उतना ही बड़ा प्राइस रिजेक्शंस एंड उतना ही बड़ा ये सपोर्ट बन चुका है। दैट बीइंग द केस, इसके लो जो है इज गोइंग टू एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल, और इसको नीचे जाना है तो ये जो लो है दैट इज आपका 3.64, उसके नीचे क्लोज देना पड़ेगा। ऑल्सो हमें देखना है US 2 year वर्सेस US 10 year का जो स्प्रेड है। पहले जो ये 100 बेसिस पॉइंट्स के ऊपर था, अभी ये 50 बेसिस पॉइंट्स में आ चुका है। आने वाले दिनों में ये और भी नीचे अगर होने का एक्सपेक्टेशंस है, एंड जैसे ही 2 year 10 year के नीचे आ जाएगा रेट, इन सच ए केस मार्केट विल ट्राई टू स्टेबिलाइज एंड गो बैक टू नॉर्मलसी। सो उसी दिन का हमें इंतजार रहेगा। सो करेंसी डेली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।